मुझे मेरी सबसे फेवरेट फिल्म इस साल की है, दो फिल्में थी जो मुझे बेहद पसंद आई, बर्फी और इंग्लिश विंग्लिश, दोनों नॉमिनेट किए गए हैं एज फॉर द फिल्म फेयर एज डायरेक्टर एंड फिल्म. आई लाइक बर्फी, मुझे मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी. रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा वॉज डेफिनेटली द ईयर्स बेस्ट परफॉर्मेंस. प्रियंका ने भी बहुत बहुत अच्छा काम किया. श्रीदेवी आई एम अ बिग फैन, तो मेरे लिए प्रियंका और श्रीदेवी के बीच में एक थोड़ा सा टसल है, बट आई वुड से दैट बोथ ऑफ देम डिड एक्सीडिंगली वेल. और मुझे लगता है बेस्ट एक्टर आई थिंक ये तो गिवन है कि रणबीर कपूर का साल है. उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी और जो न्यूएंसेस और लेयर्स उन्होंने उस किरदार को दिए हैं आई थिंक आर ट्रूली फैंटास्टिक फॉर हिज एज. काफी एक्साइटेड हूँ सबके मुंह पर विकी 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 है. थैंक गॉड मैं पहले एंकर था, नहीं तो लोग मुझे विकी के नाम से जानते और कुछ और चीज़ों के लिए जानते. सो आई थिंक इट्स ऑसम दैट विकी डोनो एवरीबडी इज लाइक्ड इट एंड अप्रिशिएटेड इट एंड एक्सेप्टेड नोबडी फ्रॉम चंडीगढ़ इन द इंडस्ट्री. आई थिंक बर्फी, रणबीर एज एन एक्टर, अनुराग एज अ डायरेक्टर, and you know I think Deepika from a cocktail perspective, from cocktail, because a brilliant job, ek bahut hi achhi adakar. To alag film mein, badi film mein, commercial film mein, a beautiful year for Bollywood. Bahut sari achhi film hai is saal, jo hai koi bhi film award jeetega koi dusra aadmi khada hoga ye nahi keh sakta isko nahi usko milna chahiye tha, kyunki is saal actually hamare paas choices hai. Meri Pan Singh Tomar hai, Barfi hai, कहानी है, सारी जो नॉमिनेट हुई है, इंग्लिश विंग्लिश भी है, विकी डोनर भी है, और उसके अलावा सुपरमैन ऑफ मालेगांव भी है, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में भी हैं, शिप ऑफ सीसीएस है. देखिए फिल्म पर हमेशा स्पेशल रहा, हमेशा इज ऑलवेज पुट अप अ ग्रेट शो, और उनका एक अलग स्टाइल है, अलग डिग्निटी है, और हम लोग बहुत खुश हैं इधर आके फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर कॉकटेल एंड इंग्लिश इंग्लिश. इरफान, नवाजुद्दीन एंड दीपिका एंड प्रियंका एंड परिणीत. फिल्म का सबसे पुराना अवार्ड है हमारी इंडस्ट्री का, सो ऑब्वियसली उसकी खासियत वही है. और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा रिलेशनशिप पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए हमेशा ये खास होता है. एंड हमेशा हर साल दे हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट, और इस साल भी जो वो 100 ईयर्स सिनेमा सेलिब्रेट कर रहे हैं.